इस पूरे सेगमेंट के अंदर सबसे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन आपको ये देखने को मिलेगा। तो अगर आप कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको सबसे बेटर सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है इस पूरी लिस्ट के अंदर। मेरे हिसाब से दोस्तों 10,000 रुपए की प्राइसिंग में ये एक परफेक्ट स्मार्टफोन है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया है। तो आप वीडियो के किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन को देखना चाहते हैं तो वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप 10,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज में अपने लिए एक अच्छा स्मार्टफोन सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टोटल 6 ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो कि अभी 10,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में आपको देखने को मिलते हैं। कुछ तो 10,000 रुपये से भी कम की, यानी कि 8,000-8,500 रुपये की प्राइसिंग में भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पर ये जो सारे के सारे स्मार्टफोन मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किए हैं, आज भी ये अपनी प्राइसिंग के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है, आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और आज भी आप आँख बंद करके इन स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेते हैं तो इस वीडियो के एंड होते आप बिल्कुल ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एग्जैक्टली कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहां पर ऐसे ही बेस्ट प्रोडक्ट के वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन की। पहले 3 स्मार्टफोन आपको अमेजोन पर देखने को मिलेंगे। यहां पर सबसे पहला स्मार्टफोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M12। इस स्मार्टफोन की करंट प्राइसिंग है 11,499 रुपये, लेकिन आपको अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान ये 10,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में या इवन उससे भी नीचे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो पूरा का पूरा स्मार्टफोन आपको प्लास्टिक पर देखने को मिलता है। बैक में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, उसके नीचे एक LED फ्लैश देखने को मिलती है और फ्रंट में आपको 6.5 इंच का एक HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है और ये एक TFT पैनल होने वाला है। और कलर क्वालिटी की हम बात करें तो यहाँ पर डिस्प्ले पर कलर आपको काफ़ी शानदार दिखते हैं, तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, केवल आपको HD+ रेजोल्यूशन के साथ में मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करें हम इसकी कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पर आपको 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहां पर आपको 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, 2MP मैक्रो, 2MP का डेप्थ सेंसर मिलेगा और 8MP की सेल्फी देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करें तो यहां पर सैमसंग एक्सोनोस 850 प्रोसेसर इस स्मार्टफोन के साथ में देखने को मिलता है जो कि 8nm की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। तो यहां पर दोस्तों 8nm की टेक्नोलॉजी पर आपको एकमात्र ये ऐसा स्मार्टफोन मिलता है 10,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज में जहां पर आपको इस टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो यहां पर आपके स्मार्टफोन की पावर एफिशिएंसी काफी अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर परफॉर्मेंस की हम बात करें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको ये निकाल करके दे देगा इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। बैटरी की बात करें तो यहां पर आपको 6000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और प्राइसिंग की हम बात करें तो अभी 11,499 रुपये करंट इसका प्राइस है, लेकिन यहां पर आपको ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान कुछ डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको यहां पर लगभग 1100 रुपये का डिस्काउंट और देखने को मिल जाएगा। तो लगभग आप इसको 10,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में परचेस कर सकते हैं। सभी के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, तो वहां से जाकर के आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। दूसरे स्मार्टफोन की बात करें तो ये आता है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो पोवा 2। अगर दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर सबसे बड़ी बैटरी चाहिए तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 7000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। बिल्ड क्वालिटी की हम बात करें तो पूरा का पूरा स्मार्टफोन आपको प्लास्टिक पर देखने को मिलता है और डिजाइन आप देखेंगे तो स्मार्टफोन की डिजाइन आपको कुछ ऐसी दिखाई देती है। बैक में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, ट्रिपल LED फ्लैश देखने को मिलता है और नीचे टेक्नो पोवा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो स्मार्टफोन का लुक काफी अच्छा है और डिस्प्ले की हम बात करें तो 6.95 इंच की फुल HD+ रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि एक IPS पैनल है और सेंट्रल पंच होल के साथ में आता है। तो स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफी बड़ी है और साथ ही फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आती है। कैमरा सेटअप की हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 48MP का प्राइमरी सेंसर है, 2MP का मैक्रो, 2MP का डेप्थ और एक AI सेंसर देखने को मिलता है और उसी के पास में आपको एक ट्रिपल LED फ्लैश देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर और दोस्तों इस सेगमेंट में ये प्रोसेसर काफी पावरफुल प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर के साथ में दोस्तों आप काफी अच्छी खासी गेमिंग अपने स्मार्टफोन के अंदर कर पाएंगे।
बैटरी डिपार्टमेंट की यहाँ पर मैं बात करूँ तो 7000 mAh की बड़ी बैटरी स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलती है। 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। टाइप सी पोर्ट और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। और इस स्मार्टफोन का 4GB 64GB वाला वेरिएंट अभी 10,999 रुपए की प्राइसिंग में आपको देखने को मिल रहा है। और सेल के दौरान अगर आप कार्ड से डिस्काउंट लेते हैं तो आपको 10,000 रुपए से भी कम की प्राइसिंग में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 10,000 रुपए की प्राइसिंग में ये एक परफेक्ट स्मार्टफोन है, आपको आपके एक एक पैसे की वैल्यू ये स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करता है। अगले और तीसरे स्मार्टफोन की बात करें तो ये आता है Xiaomi की तरफ से Redmi 9 Power। अब यहाँ पर दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में Redmi 9 Prime स्मार्टफोन भी आता है, लेकिन वो ब्रांड की तरफ से अभी कुछ ही दिन पहले डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो उसका जो बचा हुआ स्टॉक मार्केट में है केवल वही अभी रिटेल या ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके बाद में वो स्मार्टफोन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और Redmi 9 Prime और इस स्मार्टफोन के बीच में कोई ज्यादा खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर ले इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो स्मार्टफोन पूरा का पूरा आपको प्लास्टिक पर देखने को मिलता है। बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, नीचे Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। और डिस्प्ले की हम बात करें तो यहां पर आपको 6.53 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एक IPS पैनल है और 394 पिक्सल डेंसिटी के साथ में आता है। तो डिस्प्ले काफी अच्छा इस प्राइस सेगमेंट में हमें देखने को मिलता है। फुल HD प्लस पैनल 10,000 रुपए के आसपास की प्राइसिंग में काफी अच्छी डील रहेगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए बात करें कैमरा सेटअप के बारे में तो 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, जहां पर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। इसके अलावा एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक मैक्रो और एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलता है। और सेल्फी आपको 8 मेगापिक्सल की देखने को मिलेगी। और कैमरा क्वालिटी की हम बात करें तो काफी डिसेंट कैमरा क्वालिटी इस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन देता है। आगे बढ़ते हुए बात करें प्रोसेसर की तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर देखने को मिलता है। और यही दोस्तों यहां पर एकमात्र डिफरेंस देखने को मिलता है Redmi 9 Prime और इसके बीच में। Redmi 9 Prime के अंदर आपको MediaTek Helio G80 प्रोसेसर देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस के मामले में ये दोनों प्रोसेसर ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो परफॉर्मेंस के बीच में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बाकी यहां पर स्नैपड्रैगन 662 की बात करें तो ये भी एक काफी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलती है और 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। और इस स्मार्टफोन की करंट प्राइसिंग 4GB 64GB वाला वेरिएंट के लिए है 11,499 रुपए, लेकिन सेल के दौरान यहाँ पर आपको कुछ फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और कार्ड से डिस्काउंट अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो ये आपको 9,500 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी डील होगी। अब दोस्तों बात करते हैं अगले तीन स्मार्टफोन जो कि आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलेंगे। यहां पर सबसे पहला स्मार्टफोन आता है माइक्रोमैक्स की तरफ से, माइक्रोमैक्स इन नोट 1। और ये स्मार्टफोन दोस्तों टोटल अगर आप डिस्काउंट अप्लाई कर लेते हैं तो आपको 8,500 रुपए की प्राइसिंग में देखने को मिलेगा बिग बिलियन डे सेल के दौरान। इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेक्स की बात कर ले तो 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहां पर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। तो अगर आप कैमरा सेंटर की स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको सबसे बेटर सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है इस पूरी लिस्ट के अंदर। प्रोसेसर की बात करें तो यहां पर MediaTek Helio G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि अगेन इस प्राइस सेगमेंट के अंदर काफी अच्छा प्रोसेसर है। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में आती है। और इस स्मार्टफोन के 4GB 64GB वाले वेरिएंट की करंट प्राइस है 10,999 रुपए और यहां पर सेल के दौरान आपको केवल 9,499 रुपए में देखने को मिलेगा। और कार्ड का डिस्काउंट अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो फिर आपको 8,550 रुपए में देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से बिल्कुल बीस्ट डील होने वाली है इस पूरे सेगमेंट के अंदर। सबसे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन आपको ये देखने को मिलेगा। अगले स्मार्टफोन की बात करें तो यह आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स Hot 10S। और लुक एंड डिजाइन के मामले में स्मार्टफोन काफी अच्छा है। बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, उसी के पास में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। और ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में स्मार्टफोन काफी अच्छा है। डिस्प्ले की इसकी बात करें यहां पर तो 6.82 इंच की आपको एक HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। और इस स्मार्टफोन का सबसे माइनस पॉइंट यही है कि यहां पर आपको HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन डिस्प्ले पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो रिफ्रेश रेट यहां पर काफी अच्छा दिया है, लेकिन HD प्लस पैनल है, तो इस स्मार्टफोन को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हुए यहां पर हम कैमरा की बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक AI सेंसर देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है।
प्रोसेसर की बात करें मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो अगेन इस प्राइस में काफी अच्छा है। बैटरी की यहाँ पर बात करें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और इस स्मार्टफोन के 4GB 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 9999 रुपए और अगर आप डिस्काउंट अप्लाई करते हैं तो आपको 8999 या अराउंड 9000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो काफी अच्छा स्मार्टफोन ये इस प्राइस सेगमेंट में होने वाला है। अगले और आखिरी स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए करीब 3-4 महीने हो चुके हैं। यहाँ पर ये स्मार्टफोन आता है पोको M3 जो कि पोको M2 का एक सक्सेसर है। वो स्मार्टफोन भी अभी मार्केट में है लेकिन ये स्मार्टफोन उसका एक सक्सेसर है तो मैंने यहाँ पर पोको M2 को इंक्लूड नहीं किया है, मैंने यहाँ पर पोको M3 को इंक्लूड किया है। अब यहाँ इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में आपको कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, केवल प्रोसेसर का डिफरेंस देखने को मिलता है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले तो बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बैक साइड में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। पीछे आपको एक बड़ा सा कैमरा पोर्शन देखने को मिल रहा है जहां पर पोको की ब्रांडिंग है और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, एक LED फ्लैश है और बाकी पूरा स्मार्टफोन मैट फिनिश में, तो लुक के हिसाब से स्मार्टफोन काफी अच्छा है। यहां पर डिस्प्ले की हम बात करें तो 6.53 इंच की एक फुल HD+ रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये वही सेम डिस्प्ले जो आपको पोको M2 और Redmi 9 Prime के अंदर देखने को मिलती है, सेम डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। और यहां पर कैमरा सेटअप की बात करें तो 48 MP + 2 MP + 2 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है और 8 MP की सेल्फी देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी यहां पर देखने को मिलती है, 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और प्रोसेसर की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 662 प्रोसेसर यहां पर देखने को मिलता है। Poco M2 में आपको Helio G80 देखने को मिलता है और यहां पर Snapdragon 662 देखने को मिलता है। और एक डिफरेंस और है कि Poco M2 में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और यहां पर 6000 mAh की बैटरी दी गई है और इस स्मार्टफोन के 4GB 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 10999 रुपए और सेल के दौरान आपको यहां पर कुछ फ्लैट डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा और कार्ड वगैरह अप्लाई कर सकते हैं तो 9500 रुपए के आसपास ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो ये थे दोस्तों वो 6 स्मार्टफोन जो कि आपको इस प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट देखने को मिलते हैं। सभी के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए तो वहां से जाकर के आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अंडर 15,000 के बेस्ट स्मार्टफोन बताने वाला हूं, तो अगर उस प्राइस सेगमेंट में आप बेस्ट स्मार्टफोन के वीडियो देखना चाहते हैं तो यहां पर मैं एंड स्क्रीन पर उस वीडियो को लगा दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।